करने जा रहे हैं लिविंग लाइकर छोटा भीम, और इसमें आने वाले बहुत ही ज्यादा मजा, क्योंकि मैं बनी हूँ आपकी प्यारी सी चुटकी, और मैं बनी हूँ आपकी राजकुमारी इंदुमती, वो तो राजा की बेटी होती है। हाँ हाँ, कोई नहीं, चढ़ाने की जरूरत नहीं है। देख लो कैसे चढ़ा रही है, और जो ड्रेसेस है ना वो पापा ने हमारे लिए स्पेशल डिजाइन करवाई है। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को एम करती हूँ 1 लाख लाइक, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अब आप मिलो छोटा भीम से। फ्रेंड्स, मैं आ गया आपका छोटा भीम। ये देखो लड्डू, और आपको पता है ये लड्डू कैसे हुआ? क्योंकि लॉकडाउन में एक्सरसाइज करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सारे जिम तो थे बंद। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है टुनटुन मौसी। मौसी जरा आ भी जाओ। और भाई भीम, क्या हाल है? मारना शुरू कर दिया भीम, ये तोंद बंद कैसे निकल गया भीम? मौसी सारे जिम तो बंद है, हम क्या करें? लड्डू खा के मोटा हो गया तू। और ये क्या लड्डू? तो मुझे बहुत पसंद है, मैंने लड्डू भी लेके आई है। नहीं लाऊंगी भीम, लाऊंगी पहले टीका। हाथ फूल ये कौन बनाएगा? मौसी आपको तो पता ही है, मम्मी खाना खाने में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि कुछ याद ही नहीं रहा। आप ही कर दो ना। अरे मौसी, मेरी दो माँ होती हैं। रुक, लाती हूँ तेरा सामान, जा। इतनी तेज मारा मौसी ने। चलो फ्रेंड, मैं भी जा रहा हूँ मौसी से अपना मेकअप कराने। चलो चल भीम, टुनटुन मौसी के होते हुए तूने बड़ी चिंता करी। कर दो ना मौसी जल्दी जल्दी। लड्डू कम खाया कर भीम, मोटा होता जा रहा है। नहीं मौसी, लड्डू तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो अभी भी खाऊंगा। अभी तो मैं लाई नहीं भीम तेरे लिए लड्डू बना के। तो बाजार में क्या बेचोगी? अभी बना रही है टुनटुन मौसी। भीम कैसा लगा? भीम ये ले भीम, बहन अपना बाजू बंद। भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम की शक्ति धूम मचाए। ये देखो मौसी, एक चीज तो बताओ, मैं तो हो गया मोटा, आप पतली कैसे हो गई? सारा मेरा माल यहाँ शिफ्ट हो गया ना, इस मोटे भीम के अंदर। इतनी शक्ति आ गई है इस भीम के अंदर। ये बता भीम, कितनों को मार कर आया, कितनों को गिराया, कितनों की भिशुम भिशुम करी? अरे मौसी, लॉकडाउन चल रहा है, सारा क्राइम तो घर पे बैठा हुआ है, मैं किसको जाऊंगा मारने? अच्छा, तभी तो पेट मोटा हो गया। माल भी नहीं आ रहा होगा भीम कुछ तो। जा रहा हूँ राजा जी के पास। राजा जी के पास? राजकुमारी इंदुमती ने बुलाया है मुझे। ओ भाई, राजकुमारी इंदुमती तुम्हारी फ्लैट है भीम पे। भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम। कैसा लग रहा हूँ मैं? थोड़ा गाढ़ा कर दूँ भीम। भीम की शक्ति धूम मचाए, पास में कोई दिख ना पाए। भीम लड्डू कब लाओगी मौसी? पहले मैं ना जरा छुटकी को भी तैयार कराऊं, और इंदुमती को भी, पता नहीं उन्हें कोई तैयार कर रहा है नहीं कर रहा है, उन्हें भी तो कराऊं मैं जाके। और तब तक मैं जाऊं राजमहल। जाओ जा भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम। अरे छुटकी, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? मम्मी बस मेकअप रह रहा है, बाकी सब हो गया। अच्छा, ये बाल भी रह रहे हैं? हां ये भी रह रहा है, सब हो गया। ला मैं करूं तुझे तैयार। Ha ha ha.
आपने हमें क्यों याद किया? अरे टुनटुन मौसी, हम तो चिड़चिड़ा मेरी सारी दासियां पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता खाने चली गई हैं। आपको पता है पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता क्या होता है? प्लीज मुझे खिला के दिखाना और पहले मेरा मेकअप कर दो। अच्छा, इसलिए आपने बुलाया हमें राजकुमारी इंदुमती। ठीक है, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। पिज्जा बर्गर पास्ता ना मैंने भी खाया है। मैं देखो मॉल गई थी तभी तो मैं ये वाली भारी साड़ी लेकर आई हूँ। आपसे कैसी लग रही हूँ? मैं ये सोची थी आप ग्रीन साड़ी क्यों नहीं पहन के आई। अच्छा राजकुमारी इंदुमती, हम आपको सजा देते हैं। ठीक है, चलिए राजकुमारी इंदुमती, हम आपका पहले प्यारा सा फूल लगा देते हैं। ठीक है, राजकुमारी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने ही गांव ढोलकपुर में, और ये है कालिया और ये है ढोलू बोलू, और इसको तो सब आप जानते ही हैं। ये कौन है? जग्गू बंदर। तो चलो, अब मेरे को बुलाया है राजकुमारी ने, अब मैं चलता हूँ महल की तरफ। राजकुमारी इंदुमती, आपने मुझे याद किया? हाँ, देखो मैं कैसी लगती हूँ भीम। राजकुमारी, आप तो हमेशा ही बहुत सुंदर लगती हैं। भीम, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ तो तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? मुझे कुछ समय चाहिए राजकुमारी। ठीक है, बगीचे में चलते हैं, मैं ठीक ही सोच रहा हूँ ना। ठीक है राजकुमारी, चलो चलते हैं। राजकुमारी मिल रही है तो फिर मैं उन्हीं से तो शादी करूंगा। अरे छुटकी, रो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से ही शादी कर लूंगा। तो राजकुमारी, देखो ढोलकपुर में तो एक ही चीज मशहूर है सिर्फ, वो भी है टुनटुन मौसी के लड्डू, और उन्हीं के लड्डू की वजह से बना ये लड्डू। तो चलो चलते हैं लड्डू खाने। चलो आओ, टुनटुन मौसी के गर्मा गर्म लड्डू खाओ। आओ, देखो कितने प्यार से मौसी ने लड्डू बना रखे हैं, गोल गोल बेसन के लड्डू, जो भीम को बहुत पसंद है, जो हमारे ढोलकपुर का शेर है। लड्डू खाने नहीं आ रहा कोई ढोलकपुर में? आ रहा मौसी, आ रहा। अरे ये तो मेरे प्यारे भीम की आवाज है। भीम मौसी, लड्डू तो खिला दो। अरे मेरे प्यारे भीम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मारना मत मौसी, सुबह से बहुत बार मार चुके हो। नहीं मार रही मेरे लड्डू, खा मेरे भीम लड्डू का मौसी के हाथ से। वाह, मजा आ गया। अरे राजकुमारी इंदुमती भी आई है, तुम्हारा सौभाग्य जो राजकुमारी हमारी दुकान पे खुद पधारी है। लीजिए राजकुमारी, खाइए। और मेरी प्यारी छुटकी भी आई है ना, छुटकी तू भी खा। कैसे बने लड्डू छुटकी? मौसी, मैंने न्योता दिया है क्योंकि हम तीनों की होने वाली शादी। किस बात का न्योता भी? तो लड्डू बनाओगे आप ही हम तीनों की शादी में? तीनों की शादी? हाँ, छुटकी इंदुमती और भीम की शादी। क्या सुन रही हूँ भी? फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे मुझे हॉस्पिटल ले जाओ।